संडे आयरवार। ये बताइए, यहाँ पे शिवराज जी आए थे आपसे मिलने, कितनी खुशी है? बहुत बहुत खुशी है। आई एम एक्साइटेड थे हम मामा जी से मिलने के लिए, बहुत एक्साइटेड। मामा जी इतने पसंद क्यों आप? मामा जी सबके लिए सब कुछ। क्या क्या लाभ हुए उनकी? बहुत कुछ करा है मामा जी ने हम सबके लिए। मामा जी ने लाडली बहना योजना भी चलाई। मामा जी ने हर एक काम किया है। मामा जी सांसद के उम्मीदवार बने, वोट देंगे उन्हें? हाँ मामा जी के बीच में अभी हम देते ही नहीं है, वोट ही नहीं देते। डालेंगे जब मामा जी को डालेंगे। आपका नाम क्या? भोला भाई है। मामा जी आए थे रंग पंचमी के त्योहार पे, कितनी खुशी है? अच्छी खुशी है, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। मामा जी आए हैं, बहुत ज्यादा खुशी है। अब यहाँ पे मामा जी आए थे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। अच्छा, मामा जी क्यों पसंद है आपको? वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो जो कुछ नहीं होते वो भी करते हैं, इसलिए है। क्या क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? यहाँ पर सभी योजनाएं, मतलब कुछ नहीं है कुछ है। यहाँ पर रोड नहीं था, रोड भी हो रहा है। पानी की लाइन नहीं थी, पानी की लाइन भी हो गई है। स्कूल वगैरह इसका भी बोला है उन्होंने। सारी लाडली बहनें मामा जी को पसंद करते हैं। यस। आपका नाम क्या है? दीक्षा। अभी ये बताइए, अभी मामा जी आए थे आपके साथ रंग पंचमी का त्योहार मनाया, इससे पहले कोई नेता आया था यहाँ? हाँ, विप्रभु राम चौधरी जी आए थे। मामा जी इतने पसंद क्यों हैं? वो मतलब कि वो सभी वो काम वगैरह सब करवाते हैं, वो अच्छे हैं। यहाँ से वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं तो वोट करेंगे उन्हें? क्या वोट करेंगे? हाँ, अभी तो हमारी उम्र भी नहीं है वैसे तो वोट डालने की। मामा जी से खुश है? हाँ खुशी है। कैसा लगा मामा जी आपके साथ आए थे? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मामा जी हमारे बीच आए में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी ये बताइए, वो यहाँ से सांसद के प्रत्याशी बने, जीतेंगे यहाँ से? जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, हमारे इधर से जरूर जीते। काम क्या किया मामा जी ने? बहुत काम किए हैं, लाडली बहनों को भी बहुत कुछ दिया है और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया है। आप तो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे? जी हाँ, हम फर्स्ट टाइम वोटर है। हमने मामा जी को ही वोट दिया, फर्स्ट वोट हमारा मामा जी को ही गया। हाँ, मामा जी इतने पसंद क्यों है? क्योंकि मामा जी सबकी हेल्प करते हैं, इसलिए हमें मामा जी पसंद है। और आप लोग क्या कहेंगे मामा जी? और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भैया शिवराज सिंह भैया ने, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, शिवराज सिंह भैया जिंदाबाद, शिवराज सिंह भैया जिंदाबाद। मामा जी ने क्या क्या काम किया आपके लिए? मामा जी ने बहुत अच्छा किया, अब सब महिलाओं को साथ दिया है। मामा जी के लिए वोट करेंगी सारी बहने? करेंगी सारी बहने साथ है। अच्छा। हाँ। आप क्या कहेंगे मामा जी के लिए? बहुत अच्छा कर रहे हैं मामा जी। और क्या सारी क्या क्या योजनाएं दी आप? लाडली बहना, लक्ष्मी योजना बहनों के लिए, बेटियों के लिए, भांजियों के लिए, सुकन्या। पहले क्या हालात थे यहाँ पर योजना से पहले? नहीं, पहले बेकार हालात थे, अब बहुत अच्छे हालात हैं। और आप मतलब मामा जी ने सबसे क्या कहेंगे मामा जी से मिले आप? क्या मामा जी तो बहुत ही अच्छे हैं। अरे बहुत अच्छे हैं, अब तो इस बार और मतलब और जोर से जीतना चाहिए। फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, मेरा हो गया है, दो बार हो चुका है। भैया एक हमारा ले लो। नहीं, ये बताइए मामा जी यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है आपके? अच्छा लग रहा, बहुत खुशी हुई है। काम क्या किए मामा जी ने? मामा जी ने बहुत काम किए, ग्रामीणों को बहुत सड़क की योजना ये सब चीज बहुत करवाई उन्होंने, और लाडली लक्ष्मी योजना तो उन्होंने की ही है। और उसके बाद मतलब हर चीज को सक्षम बनाया है, पहले गांव तक सड़क भी नहीं जाती थी, लेकिन उन्होंने बहुत चीज की है। सरल नेता और कोई देखे? नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे है। मतलब फर्स्ट टाइम एक ऐसा बंदा जो नॉर्मल पर्सन के बीच में भी रहना और सब चीज बोलना बहुत अलग है उनका। यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं? अरे उनका तो वो तो 100% है, और मतलब वो नहीं भी आते तब भी उनकी जीत निश्चित थी। पर अभी भी बहुत अच्छा लगा है। क्या कहेंगे वो, ये सांसद के प्रत्याशी हैं इस बार यहाँ? उनको होना ही चाहिए, वो तो पीएम की पोस्ट के लायक है। हाँ जी। काम क्या किए मामा जी ने? बहुत सारे काम करे, खासकर महिलाओं के बारे में बहुत सोचा है, हमारे बारे में बहुत सोचा है, और एजुकेशन के लिए तो सबसे बेस्ट है। और बहुत सारे जो स्कूल्स खुले हैं उनके लिए, सीएम राइस स्कूल, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहने उनसे क्या अपील करेंगे आप? मैं यही अपील करूंगी कि आगे भी वोट दें उन्हीं को, और आगे भी उनको जिताएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मामा जी के लिए और सभी के लिए कि आगे जीतेंगे वो ही। मामा फिर से मुख्यमंत्री बने, यही हमारी इच्छा है। वो तो सांसद के लिए उठे हुए हैं, इस बार वोट करेंगे? फिर बनेंगे जी, बिल्कुल। हाँ वोट करेंगे। और मोदी जी के लिए क्या बोलेंगे? मोदी जी प्रधानमंत्री हमेशा बने रहे 20 साल और। अच्छा। हाँ। और मामा जी भी बनेंगे हमेशा। मामा
आपने काम क्या किया है? खूब किया है, बहनों को खूब किया है, खूब करा है, खूब अच्छा करा है काम। और क्या काम क्या किए मामा ने? बहुत काम किए मामा ने, उनके जैसे कोई मुख्यमंत्री अब नहीं है। हाँ, बहुत अच्छे हैं, दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं बहनों के ऊपर, तो ये भी देंगे ना, देना चाहिए ना, हम लोगों की गरीबी दूर करना चाहिए, है ना। अब जो गरीबी है, मकान नहीं है, पानी में डूब रहा है, बिल्कुल बहुत परेशानी है, मकान नाले में बने हुए हैं, नाले में, उसके लिए कुटी मिलने चाहिए, उसके लिए सुविधा मिलने चाहिए। आप क्या कहेंगे, यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी आए हैं और आप रंग पंचमी मना रहे हैं? अच्छे आए मामा, उनके दर्शन हुए हमको, अच्छा काम करा है उनने और आगे बढ़े। हाँ, यहाँ से सांसद के लिए उठे हुए हैं, तो यहाँ की महिलाएं वोट करेंगी? हाँ करेंगी, सभी महिलाएं करेंगी। हाँ मामा जी, क्या क्या काम आपको अच्छे लगे? सभी काम अच्छे लगे मामा जी के। क्या क्या सुविधाएं मिली आपको? सब सुविधाएं मिली भैया, सभी मिली सुविधाएं हमें। मामा जी आपके साथ पंचमी का त्योहार मना रहे हैं, क्या? जो रंग पंचमी है, सब पब्लिक से मिलने आए, पब्लिक से मिल रहे हैं और उसका रंग पंचमी का पर्व मना रहा है। क्या लग रहा है यहाँ से सांसद के लिए प्रत्याशी बने? शिवराज सिंह चौहान 10 लाख वोटों से जीतेंगे। 10 लाख वोट, सबसे बड़ी जीत शिवराज सिंह चौहान की, मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे पूरे भारत की सबसे बड़ी जीत शिवराज मामा। आप लोग एक साथ रंग पंचमी का त्योहार मना रहे हैं, क्या ये मामा जी चले क्या कहेंगे? मामा आपकी से 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। बचपन से हम भाजपा के और भाजपा को ही वोट देंगे और दिलवाएंगे सब लोगों से। काम क्या किए मामा जी ने? मामा जी ने बहुत काम किया है, प्रदेश में एक से बढ़ के एक योजनाएं लाए हैं, गरीबों के हित में, महिलाओं के हित में। यानी मामा जी ऐसा तो आज तक किसी ने काम करा ही नहीं है। लोगों से क्या अपील करेंगे जी? लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे भाजपा को वोट दे, मोदी जी को वोट दे, आपकी बार 400 पार, 400 पार। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं रतनपुर में, रायसेन में, और लगातार मेरे पीछे देख सकते हैं रंग पंचमी का त्योहार है, सभी शिवराज सिंह चौहान के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे शिवराज सिंह चौहान रंग पंचमी के त्योहार पे? आप लोगों से मिलने आए हैं आज माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ग्राम रतनपुर में पधारे हैं और सभी लोग हम सब इनका स्वागत करने खड़े हैं। एक तरफा विजय और कम से कम 10 लाख पार विदिशा लोकसभा जा रहे हैं। काम क्या किया मामा जी ने आपके रतनपुर? बहुत काम किया है, 2 बार वो सांसद के रूप में इधर से चुने गए हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए भी लाडली बहना की योजना हित और भी बहुत सारे काम किए, और भी अनेकों कार्य उन्होंने किए हैं, तो बढ़िया चल रहा है और 10 लाख पार निश्चिंत होने वाले हैं। अच्छा, मामा जी के लिए क्या कहेंगे? मामा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मामा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, गाँव के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, और मामा जी बहुत गोडान भी हैं और उन्होंने सब काम किया है, मामा ने बहुत किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, बाढ़ माड़ में बहुत मुआवजे दिए हैं और भी बहुत काम किया है। युवाओं से क्या अपील करेंगे मामा जी के लिए? हम युवाओं से अपील करेंगे कि मामा जी कोई मौका दें एक बार और। लगता है कि जब वो दिल्ली जाएंगे तो यहाँ का और विकास होगा? हाँ, और विकास होगा। आधी नहीं, 400 पार, 400 पार। ये देखिए शिवराज सिंह चौहान जी का काफिला अब रतनपुर में पहुंच चुका है और यहाँ के जो वासी हैं वो लगातार उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है।